हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स नेक्स्ट कुलाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रोडक्शन बैक साइड का, जितना भी गोडाउन में कैसे सामान रखा जाता है, क्या क्या सामान होता है, पूरी डिटेलिंग में आपको दिखाएंगे। आज मैं जो जा रहा हूँ वो है VSS इवेंट्स। ओके, जो ओनर हैं वो हैं विक्रम सोलंकी जी, छतरपुर में इनका गोडाउन है। सो मैं घर से निकल रहा हूँ और बाय मेट्रो जाऊँगा, छतरपुर उतरूँगा और वहीं से शेयरिंग ऑटो लूँगा। मेट्रो स्टेशन पे ही खड़ा हूँ नीचे प्लेटफॉर्म पे। सो अभी भाई का वेट कर रहा हूँ, राघव भाई का, और मेट्रो आने वाली है। हार्डली 2 मिनट्स में दिखा रही है मेरे को यहाँ पर मेट्रो, फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे छतरपुर क्योंकि डायरेक्ट मेट्रो है। तो गाइस मैं छतरपुर उतर गया हूँ। ये अपना भाई है, क्या नाम है भाई? राघव। राघव नाम है भाई का, ये भी इवेंट्स करता है, हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं इवेंट्स भाई। तो अभी हम जा रहे हैं गोडाउन VSS इवेंट्स, और गोडाउन आपको दिखाएंगे किस तरीके से बना हुआ है, प्रॉप दिखाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। तो मैं यहाँ से ऑटो ले रहा हूँ, शेयरिंग ऑटो, और यहाँ से सीधा गोडाउन जाए। तो भाई मैं जाते हुए सोचा कि यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर मेरे को दिखा बोर्ड, लेजर कटिंग बोर्ड दिखे यहाँ पर मुझे, तो सोचा मैं यहाँ पर रुकूँ। और मैंने देखे बहुत सारे डिज़ाइन, और मैंने एक डिज़ाइन डाला भी है इसमें, आप देख भी सकते हैं। सो गाइस हम पहुंच गए हैं VSS इवेंट्स, वेडिंग्स एंड इवेंट्स, अंदर चलते हैं। हेलो रश्मि, कैसे हो आप? अच्छा कल इवेंट था आपका? हाँ फैब्रिक तो पड़ा हुआ है। तो कहाँ पर था इवेंट? ओके एग्जीक्यूटिव क्लब। ओके तो कैसा रहा? एकदम बढ़िया। तो थोड़ा सा हम पहले बाहर आयरन स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले ये ट्रसेस हैं ये। ओके 12 फिट के फिर हैं, 2 फिट के कनेक्शन हैं। ओके ये 10 फिट के हैं। तो ये है पूरा, हम गोडाउन में अंदर आ गए हैं पूरा। यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, सारे सिटिंग्स के सारी चीज़ें, ये चेयर्स हैं। ओके कौन सी चेयर्स? शिवालिक। ओके उसके ऊपर फ्लावर्स हम रखते हैं, फ्रेश फ्लावर्स का वर्क होता है। ये बुफे टेबल है ये। ओके इसको तखत कहते हैं, इसको, इस वाले को, इसको। ओके इसको ठीक है, सेंटर पीसेस हो गया। ओके ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेज का प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है स्टेज का, ये बेस है, ये बेस है, प्लेटफॉर्म के बेसिस हैं ये। ओके ग्रेट, ये पेपर लैम्प्स हैं ये। ये किसके ऊपर रखे हुए हैं सारा सामान? ये बांस के ऊपर पूरा बनाया हुआ, बैम्बू स्ट्रक्चर बनाया हुआ पूरा। ओके ओके ठीक है। और ये क्या है? ये भी कंसोल टेबल्स, ये सारे डिफरेंट गोल्डन वाइट्स। ओके ये कॉकटेल टेबल का टॉप है। आप ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये 8x4 का है, और जो इससे पहले देखा था आपने वो 6x4। ये राउंड टेबल कितने डायमीटर के हैं ये सारे? एक तो 60 फीट का है और एक 5। एक 5 का है और एक 7 फीट। ये बटाम है, ये किस पर्पस के लिए काम आता है बटाम? ये वाले जो हम ट्रस की लगाते हैं, हां उस पे हम लगा के देन कपड़े फैब्रिक को मतलब फोड़ने में और उसके काम आता है। अच्छा, बिना हम इसमें किल भी फोड़ सकते हैं। तो बढ़िया है। ये हमारे सीटिंग के सोफे हैं, ये सोफास हैं, ये डिफरेंट सोफा। फाइबर्स के फ्रेम्स हैं, ये ऐसा प्रॉप की तरह हम यूज करते हैं। ओके ये है दिया स्टैंड्स, ये वाले ये बेस प्लेट है। ओके ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये। ये पैनल्स हमारे रेडी मतलब रखे हुए हैं, ये फ्रेंच विंडो है। ओके ये ऐसा हमारा प्रॉप की तरह फिलर्स की तरह काम करता है पूरा। ये काउच है, अभी गाइस ये थोड़ा हमने पैक करके रखा हुआ है, एक ये काउच है, थोड़ा सा देख सकते हैं। डाउन ऐसे फैला हुआ है ना, क्योंकि हम कल ही इवेंट से आए थे ना, तो तभी। अब हम आगे चलते हैं जहाँ पर प्रॉप्स हैं, फिर उसके बाद आपको फैब्रिक्स का पार्ट दिखाएंगे सारी चीजें, फिर आपको यहाँ के जो ओनर है मिस्टर विक्रम सोलंकी जी उनसे भी मिलवाएंगे। जो आपने कैंडल बॉल देखा, हाँ पे ये लगाते हैं, छोटी ग्लास है, इसके अंदर हम कैंडल डालते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैंडल ग्लासेस। ओके डेकोरेटिव आइटम, ये बहुत बढ़िया चश्मा, मैं भी चश्मा पहनता हूँ, चश्मा यहाँ भी आ गया। ठीक है, ये सेरेमिक पॉटर्स है जो हम प्रॉप्स पे यूज करते हैं, या तो हम इसको सेंटर पीस बनाते हैं या पिलर्स में। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको लैंप बोलते हैं, लैंप्स हैं ये, लैंप स्टील लैंप,
मोरक्कन लैंप, ये स्टार्स हैं, ये कैंडल आबरा है, ये जार है, ये भी सेंटर पीस इसके लिए। सो गाइस ये है मिसिंग जार, ओके, ये क्या मतलब, हैंगिंग के लिए यूज आता है ये, ओके, ये बहुत सारे आर्टिफिशियल लीव्स हैं, आप ये देख सकते हैं, चेयर्स की गद्दियां हैं ये, ओके, ये है मुड़े, ओके, ये जैसे वेदी होती है जहाँ पर फेरे होते हैं उसकी ये चेयर्स हैं, राइट। सो इन शॉर्ट गाइस आपको पता चली गया होगा किस तरीके का गोडाउन होते हैं वेडिंग के। सो ये यहाँ पर सारा फैब्रिक रखा हुआ है, एक्चुअली काम चल रहा है इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा इतना, फिर भी थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको शिमर कहते हैं, ये कहाँ पर यूज होता है शिमर? ये भी गोल्डन एंड ब्लैक में यूज करता है ना। ओके, तो आपको ये सारे नाम याद रहते हैं ये? कैसे? हैबिट हो गई ना? हैबिट हो गई है। रोज इवेंट करते हैं, देन फैब्रिक, प्रॉप, स्ट्रक्चर्स, सबकी लिस्ट बना बना के है। ओके, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या चीजें हैं, डिफरेंट कलरफुल, ये क्या क्या है? राजस्थानी लोग देते हैं, राजस्थानी देख, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। ऐसे एलिफेंट्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये हम हल्दी और मेहंदी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ओके, ये मास्किंग है सारी, फ्लोरल बेड्स, ओके, दैट्स ग्रेट। ये पूरा एरिया इन्वेंटरीज का था। ओके, मैं आपको गेस्ट रूम दिखा रही हूं जहां पे मीटिंग करते हैं लोग, इंटरव्यू के लिए या मीटिंग के लिए आते हैं। ओके, ये गेस्ट के लिए या इंटरव्यूज के लिए कोई मतलब आते हैं तो मीटिंग से करने के लिए ये एरिया में रखा हुआ है, ये एरिया रखा हुआ है। ओके ग्रेट, अब हम चलते हैं इस कंपनी के ऑनर के पास जिनका पूरा नाम विक्रम साहिल सोलंकी है, हम अंदर चलते हैं। और ये है हमारे सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। सो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सोलंकी जी, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है इवेंट्स में आपका? अभी तो सीख ही रहे हैं, पिछले 19 साल से सीख ही रहे हैं, सीखे नहीं है, जितना सीख रहे हैं उतना आगे कोशिश करते हैं कि आगे भी लोग सीख सकें। आप बताएं, आपने आज गोडाउन देखा, मेरे ख्याल से आपने इन्वेंटरी देखी, आपको क्या समझ में आया, क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? काफी अच्छा मेरे को लगा, ट्रसेस देखी, प्रॉप्स देखे, आयरन स्ट्रक्चर, सिटिंग्स की सारी चीजें देखी, कपड़ा देखा, फैब्रिक्स, हमें इसको कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए, कुछ आपके कुछ पॉइंट्स का सजेशन? ये तो हमारी यूट्यूबर फैमिली बताएगी। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस चलते हैं आगे हम। So guys, ये लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुनते हैं। गोडाउन में आपको इन्वेंटरीज देखनी होती है, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज्यादा ये होता है कि आपके न्यू वैरायटी क्या होती है, जो आजकल क्या न्यू है, क्या हम न्यू यूज कर सकते हैं, न्यू इन्वेंटरीज क्या आ रही है, न्यू प्रॉप्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम एवरी टाइम एक ही प्रॉप्स, एक ही फैब्रिक यूज नहीं कर सकते। सो मतलब टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहते हैं।